अभी मैं आइडियाज ढूंढ रहा हूँ यूट्यूब में, ढूंढ ढूंढ के जिस जिसके नए नए सब ब्लॉग्स बनाना स्टार्ट किए हैं उनके सब आइडियाज ढूंढ रहा हूँ, सब कॉपी पेस्ट करूंगा कल के वीडियो में, ठीक है? देख लेना। अभी मैं ना सुबह सुबह पेड़ पौधों को देख रहा हूँ। ये है मेरा बैल, ये देखो इतने सारे पेड़ पौधे लगा दिए मैंने। कहाँ गया ये? इतने सारे हैं। दिस वन इज पर्टिकुलरली कॉल्ड चाइना डॉल, अच्छा दिखता है बहुत। फिर यहाँ पे है एरिका पाम है, यहाँ पे फेडरली फिग है, ये है, ये है, और ये है, और ये है, ये सब लोग वहाँ पे हैं। ये चल रहा है अभी मॉर्निंग कॉफ़ी। एक चीज़ ना मैं बताना चाहता हूँ आपको कि ना ये जो ब्लॉग व्लॉग करते हैं ना, और उससे पहले वो लोग मतलब थोड़ा बाल बाल बना लेते हैं ऐसे मस्त वाले, फिर फेस वॉश वेस वॉश कर लेते हैं, कुछ ना कुछ कर लेते हैं, तो शक्ल अच्छा दिखता है उन लोगों का। ये ना मेरे से नहीं होने वाला। अब मैं बहुत ट्राई कर रहा था, मैं सोचा कि मैं फेस वॉश कर लूंगा, फिर उसके बाद कॉफी लूंगा, फिर उसके बाद मस्त से आपको बोलूंगा कि देखो भाई मैंने अपने फ्रेश हो गया, अभी मैं ऐसे हो गया होगा, फिर मैं जा रहा हूँ अभी बाल कटाना। ये सब नहीं होता है मेरे से, क्या करूँ। कल रात को ना मैं एक चैनल देख रहा था, वो लड़की थी एक निशिका मेहता करके, नई नई यूट्यूबर है वो, मतलब 10,000 के आसपास को सब्सक्राइबर है वो भी, लाइक मस्त ऐसे अच्छे अच्छे मेकअप वेकअप लगा के, शी वॉज गुड लुकिंग। बट देन कि मुझे लगा कि हाँ यार गुड लुकिंग है तो व्लॉग में अच्छा लग रहा है, तो मैं भी ऐसा करूंगा कि शक्ल वगैरह अच्छा बनाऊंगा। बट यार हो नहीं रहा है, तो मैंने सोचा कि अब जो होगा नहीं होगा देखा जाएगा, फिर मैं ये सब नहीं करता। नेटफ्लिक्स आईपैड पे एडिटिंग चलता है, एनिमेशन सब कुछ देखता हूँ, एनिमे, मैं सिर्फ एनिमे देखता हूँ और कुछ नहीं देखता। अब प्लान चेंज हो चुका है, बाल काटने जाने वाला था लेकिन अभी नहीं जा रहा हूँ, क्योंकि बीच में मेरे दोस्त ने फोन किया और कौन सी कार लेनी है उसके ऊपर मैंने उसको 1 घंटा लेक्चर झाड़ा। जिम का जो स्वीट स्पॉट होता है ना वो वीडियो बनाने का, वो मैं देखा है 11 से 1 बजे तक का रहता है। ये जो किचन है ना, ये थोड़ा मतलब इसको रिनोवेट नहीं कर पाया है, गवर्नमेंट क्वार्टर है तो घर का अंदर का चीज मैंने मैक्सिमम अच्छा रिनोवेट किया हुआ है, बट उनका एक सर्टन बजट होता है, एक फाइनेंशियल ईयर में वो उतना ही स्पेंड कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो जो प्री वर्कआउट मील होता है ना मेरा, उसमें मैं क्रिएटिन डाल देता हूँ। अरे हाँ, पीनट बटर डालना भूल गया, वही सोच रहा हूँ, क्या भूल रहा हूँ। ये रहा मेरा जिम का गेटअप, ये मैंने बहुत से स्कर्ट जैसा टी शर्ट पहन लिया, और नीचे पैंट है, ये जॉगर्स है, ये लिया था मैंने फुरक से, अभी तक मुंह नहीं धोया, सॉरी अबाउट दैट। जिम में आज एक इनोवेटिव चीज ट्राई करूंगा, मैं आपको जिम में बताता हूँ, सब चीज़ यहीं बता दूंगा, फिर जिम में क्या बताऊंगा। बाल काटने बाद मैं ऐसा दिख रहा हूँ, अब पता नहीं मुझे आपको अच्छा लग रहा है नहीं लग रहा है, बट इट्स ईजी टू मेंटेन। मैं प्री वर्कआउट लाना भूल गया, और अभी जिम में पहुंचा तो वहाँ पे रहता है नॉर्मली मॉन्स्टर, तो मुझे लगा एक मॉन्स्टर ले लूँगा वहाँ से, बट है ही नहीं उनके पास, तो नीचे देख रहा हूँ कहीं पे दुकान पे मिल जाए मॉन्स्टर। भाई मॉन्स्टर अच्छी। आज मेरा एक एक्टिव रेस्ट डे है। एक्टिव रेस्ट डे क्या होता है, आप वर्कआउट भी नहीं करोगे, रेस्ट भी नहीं लोगे, सो द नेम रेस्ट एंड एक्टिव, मतलब आप पूरा नहीं छोड़ रहे हो, आप थोड़े बहुत वर्कआउट भी करोगे, जो बॉडी पार्ट आपका मतलब ज़्यादा फटीग हुआ है उस बॉडी पार्ट को आप करोगे नहीं, बट जो बॉडी पार्ट आपका सपोज अभी ज़्यादा फटीग नहीं है आप उसको कर सकते हो, जैसे कि मेरा एब्स, एब्स मैं ज़्यादा करता नहीं हूँ, और अगर मैं एब्स ज़्यादा भी कर लूँगा तब कोई दिक्कत भी नहीं है, क्योंकि उतने उसमें उतना स्ट्रेन प्रोड्यूस ही नहीं होगा कि यार बॉडी में कि रेस्ट नहीं हो रहा है मेरा बॉडी। सपोज कल मैंने किया था पुल डे, तो आज मैं पुल के सारे एक्सरसाइजेस बिल्कुल भी नहीं करूँगा, थोड़े बहुत गाप्स कर लूंगा क्योंकि लेग मैंने 2-3 दिन पहले किया हुआ था। आज का टारगेट है कि 1 घंटे के अंदर मैं कितना एक्सरसाइज कर पा रहा हूँ लाइट वेट में। यहाँ पे लुक्स अच्छा आता है, लेकिन इन्होंने रख दिया यहाँ पे ये एक चीज, और नीचे जो टॉयलेट का जो व्यू है ना, जो यूरिनल का व्यू, ओ माई गॉड, मजा आ जाता है देख के। फ्लाई से स्टार्ट करूंगा चेस्ट में। एक्टिव रेस्ट के दिन मैं मैक्सिमम प्रेफर करता हूँ आर्म्स देने को, लेकिन आर्म से मैंने कल देखा था मेरा ये एल्बो में बहुत पेन हो रहा है, लेफ्ट साइड जो एल्बो है ना, टेनिस एल्बो का दिक्कत है, तो उसमें पेन हो रहा है, तो उसको आज फिर से नहीं करूंगा, तो मैं पहले स्टार्ट करूंगा फ्लाई से। ठीक है, 5 वर्ष वाला बहुत बसी जो 30+ ही 35-36 हज़ार ही जो हाँ। तो 3 सेट मैंने कर लिया चेस्ट फ्लाई, अभी तक उतना फील नहीं हो रहा कंट्रैक्शन, बिकॉज मैं उतना इंटेंसिटी हाई कर नहीं रहा हूँ। इसके बाद मैं दूंगा सीधा शोल्डर लेटरल रेज, और आज मैं केबल से करूँगा बिकॉज केबल में थोड़ा ईजी फील होता है लेटरल रेज करना, दिखाता हूँ आपको। बीच बीच में बात कर रहा हूँ ना थोड़ा बहुत लोगों के साथ, दोस्त है बहुत यहाँ पे, तो मॉर्निंग में भी बहुत लोग आ रहे हैं वीडियो वीडियो बनाने, तो बात बात हो जाता है। तो ये मुझे लगता है आपका जो डिक्लाइन चेस्ट लोअर चेस्ट होता है उसको ज़्यादा हिट करता है। अभी मैं 3 खत्म कर चुका हूँ वर्कआउट, एक तो पहले मैंने स्टार्टिंग से कर लिया फ्लाई, उसके बाद मैंने कर लिया फोकस आ रहा है, हाँ आ रहा है,
उसके बाद मैंने फिर किया उसके बाद फ्लाई के बाद क्या किया, दिमाग नहीं चलता है और की बात We're sorry. All circuits are busy. शोल्डर प्रेस, सॉरी शोल्डर लेटर प्रेस किया, उसके बाद फिर मैंने अभी जो चेस्ट प्रेस है वो किया, सब लाइट लाइट पे कर रहा हूँ, ज़्यादा हैवी नहीं जा रहा हूँ क्योंकि मसल पे ज़्यादा स्ट्रेन नहीं देना है, तो अभी मैं शोल्डर प्रेस अभी एक लगा रहा हूँ। एल्बो जो है ना बहुत दर्द कर रहा है यहाँ पे, ये प्रेस मैं नॉर्मली 20 kg से स्टार्ट करता हूँ, फर्स्ट सेट मेरा 20 kg में रहता है, फिर मैं 30-35 तक जाता हूँ ईच साइड बोल रहा हूँ, तो लेकिन आज मैं 15 kg लगा रहा हूँ ईच साइड, और इसी 15 kg में मैं 3 सेट निकालूंगा। हाँ रेप्स बढ़ा सकता हूँ लेकिन ज़्यादा वेट नहीं बढ़ाऊंगा। सोचा थोड़ा और हैवी कर सकता हूँ मैं इसको, स्ट्रेचिंग ना मैं अभी बाहर करने वाला था लेकिन यहाँ पे लाइटिंग इतना अच्छा है और ये स्ट्रेचिंग मशीन है, बहुत सारे जिम में मशीन है नहीं लेकिन आपको दिखाता हूँ ये यूज़ कैसे किया जाता है, काफ़ी कन्वीनियंट मशीन है, ऐसा नहीं कि इसके बिना आपका वर्कआउट स्ट्रेचिंग नहीं हो पाएगा लेकिन है तो अच्छा है, उसमें कर सकते हो आप। हर एक पोजीशन को यहाँ पे लिखा है 10 सेकंड होल्ड करो, ऐसा कुछ नहीं है लेकिन आपको एटलीस्ट थोड़ा टाइम तो होल्ड करना ही है। मैं 20-30 सेकंड ट्राई करता हूँ होल्ड करने को। मैं एक चीज़ हमेशा सोचता हूँ कि यहाँ पे आप ना अपने बॉडी वेट से पीछे जा रहे हो, स्ट्रेच कर रहे हो, लेकिन अगर आपके पास कोई है, आपका स्पॉटर, आपके दोस्त कोई है, उसको बोल सकते हो इसको ना थोड़े पैर से पीछे धकेले तो और अच्छा आपको स्ट्रेच मिलेगा। इतना सा छोटा बन जाता है ट्राइपॉड, बहुत ही छोटा बन जाता है। तो बेसिकली एज प्रॉमिस्ड अभी बजाए 65 मिनट्स, हाँ गया 65, ऐसे दिखाता हूँ क्या इसमें दिख रहा है, सीधा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है। 65 मिनट्स है अभी, मतलब 70 मिनट्स के अंदर मुझे सारा चीज़ निपटाना था इंक्लूडिंग स्ट्रेचिंग ऑलमोस्ट, और 5 मिनट मैंने बचा भी लिया है। यह है अभी का फिजिक अपडेट, धीरे धीरे लीन हो रहा हूँ लेकिन बहुत लीन हुआ नहीं हूँ, पहले जैसा था उस कंडीशन पे मैं पहुँचा नहीं हूँ, फुल्ली नेचुरल हूँ, कुछ भी नहीं लिया आज तक, ऑलमोस्ट 7 साल का एक्सपीरियंस है, बहुत कंसिस्टेंट रहा हूँ मैं पूरा जर्नी में, अभी भी और फैट लॉस करना है। पहले मैं बहुत लीन हुआ करता था, वो उस लेवल पे पहुँचने के लिए मुझे लगता है और 1-2 महीना लग जाएगा मुझे। फिर फ्रंट कैमरा, इसमें लाइटिंग और भी थोड़ा अच्छा है, इसमें थोड़ा और बेटर दिख रहा है। ट्राईपॉड लगा के यहाँ से भी ले सकता था लेकिन ट्राईपॉड रख दिया। आ रहा है इसमें इमिडिएटली, अभी जाना पड़ेगा थोड़ा बाहर। एक्चुअली मैं पोस्ट वर्कआउट प्रोटीन वोटीन कुछ ले नहीं पाया क्योंकि मैं भूल गया, अभी मैं जा रहा हूँ रेस्टोरेंट, फिर वहाँ मिलते हैं लंच के बाद। प्रोटीन हो नहीं पाया इनटेक काफ़ी, तो अभी फिर देखता हूँ यहाँ पे अगर कुछ खाने को मिल जाएगा, प्रोटीन अच्छा है। खाना पीना ख़त्म हो गया अभी, अभी प्लान है कि हम लोग हुंडई शोरूम जाने वाले हैं, थोड़ा गाड़ी वाड़ी देखना है कि कौन सा लेना है क्या नहीं, फिर उसके बाद मारुति का भी देखेंगे, छुट्टी है तो सारा काम सब निपटाएंगे। तो अभी मार्केट से वापस आया हूँ, ये बाल देखो काफ़ी छोटा लग रहा है मुझे, अब मेरा ही गलती है, मैं बाल काटते काटते उसको बोलता गया और छोटा करो और छोटा करो और छोटा करो, मतलब आज दिन भर ना मैं सुबह नहाया ही नहीं, जिम गया, जिम से आने के बाद प्रोटीन शेक पीना ही भूल गया, फिर रेस्टोरेंट खाने चले गया, उसके बाद मैं सीधा गया वो अपना एक हुंडई शोरूम पे, वहाँ पे देखने गया वो गाड़ी वाड़ी थोड़ा, उसके बाद मैं आ रहा हूँ। अभी मुझे नहाऊंगा मैं, अभी रात को बज रहे हैं 8:30, तो अभी मैं नहाऊंगा, नहाने के बाद फिर मैं डिनर करूंगा।